आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज। खबर के अंदर का सच, हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। जिले के शहरी क्षेत्रों में यातायात की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस समस्या को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए जल्द ही एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। भंडारा शहर में जल्द ही एक सिग्नल प्रणाली स्थापित की जाएगी। ये जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव ने अनौपचारिक चर्चा करते हुए दी। भंडारा जिले में 32 ब्लैक स्पॉट खोजे गए हैं। स्थान पर दुर्घटनाओं की संख्या को कम करने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। ट्रैफिक को सुव्यवस्थित करने के लिए भंडारा शहर में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल प्रणाली लागू की जाएगी और जेब्रा क्रॉसिंग जैसे उपायों से ट्रैफिक की समस्या दूर हो जाएगी। भंडारा शहर के गांधी चौक व अन्य भीड़ भाड़ वाले चौक की ट्रैफिक समस्या के बारे में नगर परिषद के साथ चर्चा करके रास्ता प्रशस्त किया जाएगा। जिले की सभी पुलिस के लिए हेलमेट सख्त होगा। दिसंबर में हेलमेट को अनिवार्य करने का संकेत दिया गया है। वसंत जाधव ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक बंडूपत बंसोड़े, पुलिस निरीक्षक जयवंत चौहान आदि उपस्थित थे। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।